Okay. वालेकुम आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे uh, तो जो अभी तक आज हाँ, अभी तक हाँ, जो हमने टीवी में पढ़ा है वो हमने बेसिक पिक्चर टीवी के बारे में पढ़ा है उसके बाद हमने देखा कि मोनोक्रोम टीवी क्या होता है आ, कलर टीवी क्या होता है मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब क्या होता है कलर पिक्चर ट्यूब क्या होता है और हमने ये भी देखा कि स्कैनिंग कैसे होती है टीवी में जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया होता है वो हमें कैसे मिलता है अब हमें पता है अभी हम पिक्चर की बात करें अब हमें पता है टीवी तब तक मतलब टीवी डजंट मेक सेंस जब तक उसके पास साउंड नहीं होगा तो आज जो हमारा टॉपिक है वो साउंड पे ही जाएगा आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे साउंड होता है जो पिक्चर के साथ जो साउंड आता है वो जैसे हम साउंड खत्म करेंगे उसके बाद हमें जैसे हम शूट कर रहे हैं किसी आ, किसी भी इसको किसी भी वीडियो को तो हमारे पास जो बेसिक कैमरास होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के कैमरास होते हैं मतलब इट्स नॉट लाइक डी एस एल आर एंड नॉर्मल कैमरा अच्छा इनमें अच्छा 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 प्रिंसिपल कैमरास जो वीडियो शूट करते हैं uh, कैमरास उसमें बहुत सारे टाइप्स है कैमरास के तो वो वो भी हमें देखना है सबसे पहले लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है साउंड के बारे में साउंड क्या मतलब वो साउंड मतलब जिसको आप सीधी भाषा में बोल सकते हो आवाज साउंड क्या होता है साउंड इज अ प्रेशर प्रेशर वेव आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप नाइन्थ में थे या इवन इलेवेंथ में भी पढ़ते हैं हम कि जो साउंड होता है सोच आसान लॉन्गिटूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेशन एंड इतना तो पढ़ा ही होगा तो जो और कॉम्प्रेशन और रे क्या होता है कॉम्प्रेशन को जहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा होगा और रैर होता है जहां पे एयर uh, का प्रेशर कम होगा तो जो ये होता है साउंड ये होती है असल में प्रेशर प्रेशर वेव्स ठीक है बिकॉज दे डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंस बिकॉज दे डिपेंड ऑन द प्रेशर डिफरेंस जैसे अभी हवा में है मॉलिक्यूल्स मैं अगर यहाँ से मान लो अगर आप मेरे सामने होते और मैं यहाँ से तेज बोलता तेज़ मतलब जोर बन रहा तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता आपके कानों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता तो तभी तो आप सुन पाते अब अगर मैं धीरे बोलता तो प्रेशर कम पड़ता और आप धीरे ही सुनते और जैसा कि हमने बोला साउंड क्या है दीज आर लॉन्गील वेव्स लॉन्गील वेव्स का क्या मतलब होता है जिनमें कॉम्प्रेशन और होते हैं और जो एम्पलीट्यूड होता है जैसे ट्रांसवर्स वेव होता है ना तो डायरेक्शन ऑफ़ परपेंडिकेशन देखो दो वेव्स होती है एक होती है ऐसे अगर इस जो हमारे पास रजो ना मतलब जैसे जिम में होता है सोचा ट्रांसवर्स वेव क्योंकि उसमें जो होता है उसमें ऐसे ये होता है मतलब मान जीशा ह्योरबोन पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं ऊपर नीचे लेकिन डायरेक्शन इस मतलब जो हमारी वेव है वो आगे जा रही होती है और जो पार्टिकल्स की मोशन है वो ऊपर नीचे दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर लेकिन जो लॉन्गिट्यूटनल वेव होती है ना उसमें पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में ही होती है और जो वेव की डायरेक्शन है वो भी यही डायरेक्शन होती है जो ह्यूमंस है फॉर ह्यूमंस जो साउंड वेव की जो रेंज है आज के जो लेक्चर है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी निकलेंगे जो रेंज है जो सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट से 20 किलो हर्ट्स तक या 20,000 20, थाउजेंड हर्ट्स तक और हमें पता है अगर कभी कभी हम देखते हैं घर में होते हैं मतलब आपने देखोगे लड़कियां बात कर रही होती है तिमगर कहा निहज कहा दूर तक मगर लड़के अगर शोर भी मचाएँगे ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती क्योंकि जो लड़कियों की आवाज़ होती है ना होती है श्रिल तथा फ्रीक्वेंसी तथा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो फीमेल वॉइस हैज हाँ हायर फ्रीक्वेंसी एज कॉम्पेयर्ड टू मेल वॉइस ठीक है तो असल में साउंड क्या होता है ये एक सेंसेशन है साउंड इज अ सेंसेशन वी परसीव वेन वाइब्रेशंस असल में क्या होता है जब हम बात करते हैं ना हवा में वाइब्रेशन पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आती है इन द ईयर जो वाइब्रेशन है आर डिटेक्टेड बाय आवर आयर्स देखो कभी कभी अभी जैसे हवा चल रही है मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मगर इन च आराम सा कभी आपने तेज हवा देखी होगी तेज हवा चल रही है सो मतलब सु साउंड मतलब विंड का भी साउंड होता है सू so, ऐसा कुछ साउंड आता है तो वो क्या होता है वो पार्टिकल्स मूव कर रहे तेज जो नॉर्मल नहीं है हमारे हेयर के लिए सुनना तो वही हम सेंसेशन हैं उसी को हम बोलते हैं जो ये वाइब्रेशंस आती है पार्टिकल्स में वही हमारा ईयर क्या करता है परसीव करता है उसके बाद जो हमारा ईयर है उसका काम क्या है आवर ईयर कन्वर्ट these vibrations into electrical impulses. क्या होता है ये जो vibrations आ गई air में air particles में ये convert होती है into electrical impulses. और यही electrical impulses कहाँ जाती है ये जाती है हमारी हमारे brain को और किस system के through? जरा मुझे बताओ कौन सा system जो ये करता है इनको pass? ट्रांसमिटेड टू बेन वायाविच सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है ये छो ना था पाई तो लिख जल्दी जल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी कौन सा सिस्टम लिखो ना हाँ, नर्वस में पाई तो ऐसे पाए है, है तो कि नर्वस सिस्टम ठीक है और हमारा जो ब्रेन होता है साउंड में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड आवर ब्रेन डिटेक्टिस ब्रेन हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेक्ट करता है डिटेक्टिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ब्रेन डिटेक्ट करता है सबसे पहला पिच क्या होता है पिच वो भी हम पढ़ेंगे आगे उसके बाद होता है और उसके बाद बाद होता होता है है और लाउडनेस पिच इज अगेन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी फीमेल्स हैव हायर पिच मतलब इनकी आवाज दूर तक जाती है टिम्बर को मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूं मतलब जैसे आप लोग क्लास में लगभग 120 बच्चे हो मतलब हर एक बंदे की अलग अलग वॉइस है मतलब कभी कभी हमें कोई अनोन नंबर से कॉल करता है हम उसको पहचान लेते हैं कैसे वॉइस से क्योंकि हर एक की वॉइस में अलग अलग टिम्बर होता है दिस इज डिफरेंट जो हमारे वाइब्रेशन को डिफरेंट कर देता है यो वाइब्रेशन से डिफर गलग साउंड हम अलग साउंड निकलते एक साथ ही है अब टिम्बर में डिफरेंस होती है लाउडनेस को कितना ऊंचा बोल रहे हैं तो चरण लाउडनेस यहाँ तक क्लियर है चैट बॉक्स में लिखो ओके okay, देखो अब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है अब वेलोसिटी ऑफ साउंड पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम बोलते हैं जैसे कभी कभी मतलब जैसे यथ साउंड वेलोसिटी ये वेलॉसिटी हूथ वेलोसिटी बट जैसे हम बोलते हैं लाइट की लाइट हैज दिस वेलोसिटी या उसकी इतनी वेलोसिटी है लेकिन हम तब ये भी होता है कि लाइट ये वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर जब होता है मतलब पढ़ा है वे में भी, कि इलेवेंपरेचर जब होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स फास्टर फास्टर मूव करते हैं क्या इसकी टाइम क्याजि तम सब एनर्जी आ जाती है तमच पकान पर तेज तेज इसी लिए जो हमारा साउंड भी है साउंड त्या साउंड मन वाई इवन पार्टिकल्स इज वाइब्रेशन जब पार्टिकल्स तेज मूव होना स्टार्ट हो गए इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो भी ज़्यादा हो गई तो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू तो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर और टेम्परीचर इन कैलविन क्या है टेम्परेचर इन कैलविन ठीक है तो Uh, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे एट एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मान लेते हैं थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है वेलोसिटी और मैंने आज पहले बोला तो है कि ये मे नो ऑफ साउंड एट 40 डिग्री सेल्सियस। जरा ये करके तो मुझे बुझे क्या? वो चुश अ चीज़ कर अगर मान लो वेलोसिटी वन है एट टपचर टी वन तो वेलोसिटी टू छचर टी टू हम ऐसे भी कर सकते हैं वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन बाई टी टू यह हमारी फार्मूला है जरा यूज करो क्योंकि देखो अगर इस चाह खुलाओ ना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैसे खोलेंगे किसी कॉन्स्टेंट से और इसको भी खोल सकते हैं के इन टू टी टू पात करो डिवाइड ये फॉर्मूला आ गई मुझे बताओ कितना आएगा निकाला किसी ने छे सौ जरा क्या किया आपने? जैसे वेलोसिटी वी वन है हमारा 300 हमें वी टू निकालना है यहाँ से जो टी वन है दैट इज़ ट्वेंटी है ये डिग्री सेल्सियस में लेकिन मैंने बोला कैलवन में टू सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी गो टू नाइन्टी थ्री कैलवन डिवाइड बाई गोस अंडर रूट ऑफ टू सेवेंटी थ्री प्लस फोटी सो थ्री थ्री वन थ्री आई गेस थ्री वन थ्री तो कितना आएगा थ्री हंड्रेड v2 ये अंडर रूट में करेंगे 293 डिवाइडेड बाय 313 वन सेकंड सेकेंड टू नाइन्टी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री वन थ्री आया पॉइंट नाइन थ्री सिक्स और पॉइंट नाइन थ्री सिक्स का अंडर रूट लेना है तो मान लो वो आएगा पॉइंट थ्री आएगा सो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई पॉइंट थ्री ऑलमोस्ट थाउजेंड आ रहा है मतलब अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड आ रहा है अगर हम कैलकुलेशन पे जाएँ अप्रोक्सीमेटली थाउजेंट आ रहा है वैसे यू की युश्य नहीं मान ये जो यहाँ पे आ रहा है ना यहाँ पे ये कुछ आ रहा है ऐसे 300 डिवाइडेड बाय v2 अंडर रूट ऑफ 0.9 समथिंग बट इल्याथ कड़ो इस अंडर रूट वो कुछ आ रहा है मान लो 0.03 सो कैसे की होता त जो भी आएगा आप आप देख लीजिएगा आंसर क्या आ रहा है बट इट शुड बी मोर देन ये इससे ज्यादा होना चाहिए जो 20 पे है उससे ज्यादा होना चाहिए ठीक है चलते हैं आगे अब जो वेलोसिटी तो हो गया अब है मेजरमेंट ऑफ साउंड मेजरमेंट ऑफ साउंड तो साउंड हम तीन तरीकों से मेजर कर सकते हैं अक्सर आपने देखा हो डीबी में मेजर करते हैं सो कभी हम प्रेशर से मेजर कर सकते हैं पावर से मेजर कर सकते हैं और इंटेंसिटी से मेजर कर सकते हैं So, sound can be measured in terms of DB with pressure as. Aise. साउंड इन टर्म्स ऑफ डी बी ऐसे लिखते हैं एल पी ये डी बी में, में मेजर करता है ट्वेंटी लॉग पी डिवाइडेड बाई पी नॉट जो हमारा पी होता है वो प्रेशर हम मेजर करते हैं जो जैसे भी आ रहा है मतलब जो साउंड आ रहा है उसका प्रेशर मेजर करते हैं और जो पी नॉट होता है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव पास्कल जो हमें पी मेजर करना है वो भी करना है इन टर्म्स ऑफ पास्कल ही मेजर तो हमें मिलेगा साउंड का जो वैल्यू uh, है इन टर्म्स ऑफ अगर हमारे पास प्रेशर नहीं है अगर हमारे पास पावर है अगर हमारे पास पावर मेजर करने की डिवाइस है तो हम ऐसे एल डब्ल्यू टेन लॉग डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नॉट जो हमारा W होगा जो उस टाइम जो जिस भी साउंड का हम ये कर रहे होंगे मेजर उसका पावर कितना है और जो डब्ल्यू नॉट है वो एक फिक्सड वैल्यू होगा वो होगा टेन रेज पावर माइनस ट्वेल्व वॉट उसके बाद है अगर हमारे पास इंटेंसिटी इंटेंसिटी को पावर पर मीटर स्क्वायर तो इंटेंसिटी होगी तो L I इज इक्वल टू टेन लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट तो माइनस ट्वेल्व बाई मीटर स्कवाज द सेकेंड वन क्योंकि इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू पावर इंटेंसिटी क्या होता है इंटेंसिटी इज द पावर पर मीटर स्क्वायर ठीक है अब देखो ये तो मेजरमेंट था अब है इंटेंसिटी जैसा मैंने आप लोग आप लोगों को बोला इंटेंसिटी ऑफ साउंड या कुछ भी होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी होती है पावर पर मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर में कितना पावर होता है उसके बाद हम थ्रेश होल्ड ऑफ हेयरिंग थ्रेश होल्ड ऑफ हेयरिंग डिफाइन करते हैं थ्रेश होल्ड ऑफ हेयरिंग मतलब वो वाला साउंड मतलब थ्रेश होल्ड को या तो जिसके नीचे हम कुछ नहीं सुन सकते जैसे सबसे साउंड, मतलब जो मतलब अगर उसे थोड़ा ऊंचा बोलेगा कोई तो हम सुन सकते हैं अगर उससे नीचे थोड़ा कुछ भी बोलेगा तो हम नहीं सुन सकते थ्रेश होल्ड इट इज जस्ट अबाउट ऑडिबल साउंड जस्ट जस्ट अबाउट ऑडिबल 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 साउंड मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला हमारा जो होता है वो होता है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स ऑडिबल रेंज जो होती है तो अगर 20 हर्ट्स से थोड़ा 20.01 होगा उसको हम बोलते हैं थ्रेश ऑफ हेयरिंग ये होगा मतलब सारे खुद काम साउंड उसे बूझित है गो और जो ये जो होता है ये जो थ्रेश वाला साउंड होता है इसकी इंटेंसिटी होती है इंटेंसिटी ये जो थ्रेश होल्ड वाला साउंड होता है इंटेंसिटी ऑफ थ्रेश होल्ड साउंड इज वन पी को वॉट वन पी को वॉट पर मीटर स्क्वायर ठीक है और ये जो हमारा होता है थ्रेश होल्ड साउंड इसकी इट हैज प्रेशर इसका प्रेशर होता है ऑफ टू इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है ये थर्ड पॉइंट है ये जो थ्रेश होल्ड वाला साउंड होता है इसमें ये होता है उसके बाद sound ये वो सारी को बूझ सको सबसे लो लाउडेस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं उसके बाद हम नहीं सुन पाएंगे या गए कानन पे इजार थ्रेश होल्ड ऑफ पेन उसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड ऑफ पेन It has maximum painful sound. Is maybe pain, beyond which ear drum may get. डेमेजड अगर हम उससे ज्यादा सुनेंगे ईयर ड्रम है कि खराब कैसे और उसकी उस साउंड उस की जो थ्रेश होल्ड ऑफ पेन है इसकी इंटेंसिटी क्या होती है इस वाले साउंड की इसकी इंटेंसिटी होती है टेन वॉट पर मीटर स्क्वायर और इसका जो प्रेशर होता है जो थ्रेश होल्ड ऑफ पेन होता है इसका जो प्रेशर होता है वो होता है सिक्सटी थ्री न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है इतना क्लियर है यहां तक क्लियर है चैट बॉक्स में सारे लिखो सारे जरा रिप्लाई करो ठीक है मैंने पहले ही बोला कि ये जो अभी तक साउंड हमने पढ़ा इसमें बहुत सारे ये क्वेश्चंस निकल सकते हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा अच्छे से थोड़ा नोट कर लेना ठीक है कल हमें फ़ोन और सोन पढ़ना है और उस पर न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे ठीक है आज इतना ही थोड़ा मैं ये अटेंडेंस ले लेता हूँ